हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज गए हैं 5 और यहाँ पे चल रही है अदीबा की सफाई, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है तो धूल और पैकेट वगैरह और पूरा कूड़ा पूरे में इकट्ठा हो जाता है। और इधर अदीबा इस टाइम पर गमले वगैरह हटा कर सब सफाई कर रही हैं, झाड़ू लग रही है यहाँ पर, और ये सब इधर झाड़ू वगैरह लग गई है। अब अभी बजा रही हैं, इस पर पाइप लगा कर समय पानी डालेंगी। और लाइट भी अभी नहीं आ रही है। लाइट का टाइम है 5 बजे आने का, पर अभी लाइट अभी आई नहीं। लाइट आने के बाद फिर लगेगी मशीन और फिर कपड़े वगैरह धुलेंगे। और नहाते हम लोग सब लोग शाम के ही टाइम में, आजकल जब से हम आए तब भी सब शाम के ही टाइम में नहा रहे हैं। और शाम के टाइम में जब सफाई वगैरह हो जाती है, कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, मशीन लगती है, उसके बाद फिर हम बच्चे, अम्मी, अदीबा, अब्बा सब लोग फिर नहाते हैं। और जब से यहाँ पे आए हैं, ये है मुस्तफ़ा का काम, पेड़ों में पानी डालना। शाबाश। अभी छत की भी धुलाई ना करना ना, क्योंकि लाइट आएगी, कपड़े वगैरह धुलेंगे ना, मशीन लगेगी। बेटा इधर, और पेड़ों में सबको पानी पिलाइए, ये है ना। और सुबह हम चले जाएंगे, क्योंकि अभी इस टाइम पे आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, और डिनर अम्मी बनाएंगी, क्योंकि चिकन बनेगा। अब चिकन कोरमा हो सकता हो बनाए, दाल रोटी चावल ये सब अदीबा करेगी, सैलेड वगैरह। तो सबसे पहले अभी ये क्लीनिंग वाला काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्लीनिंग 2 बार होती है, एक बार सुबह हो चुकी है और अभी फिर शाम वाली क्लीनिंग होने जा रही है। तो ये सब हो जाए, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी चलते हैं रूम में, यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग। और यहाँ पे बिछी थी वाइट कलर की शीट, तो आज अदीबा लोग ने हटा दी है, क्योंकि गंदी हो जाती है। वाइट कलर पे ज़रूर कुछ ना कुछ लग जाता है, जब बच्चे रहते हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उसका निशान लग जाता है। तो अभी यहाँ पे ये चेंज होने जा रही है, बेडशीट लगने जा रही है, उसके बाद झाड़ू पोछा होगा, फिर हम लोग नहाएंगे। लाइट अभी तक नहीं आई है, 6 बजने वाला है पर अभी तक लाइट नहीं आई है। तो अभी चलते हैं अदीबा जब तक वाला रूम सेट करती हैं। और ये वाला रूम पूरा सही हो चुका है, पूरा सेट हो चुका है, यहाँ पे सब साफ हो चुका है। और कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे 7 बजे, 7:30 बजे तक ऐसे ही कुछ हम यहाँ से निकल जाएंगे। और जाना अभी शाम को था, और अभी मेरे हस्बैंड बोले कि अभी नहीं जाओ, अभी बच्चों की छुट्टी है, अभी यहाँ पे रुको कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी 8 दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए, फिर मैं 4-5 दिन से रहती नहीं, मुझे जाना है, बहुत हो गया जाना है। तो अभी शाम को जाना था, पर वो कह रहे हैं कि शाम को नहीं, अभी हम आएंगे यहाँ पे रुकेंगे, डिनर करेंगे, फिर सुबह हम लोग निकलेंगे, क्योंकि रात में थोड़ा सा ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो सुबह सुबह निकलेंगे। तो इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 7 और यहाँ पे बन रहा है डिनर, यहाँ पे बन रही है रोटी। और आज़म भाई आ चुके हैं, वो चाय वाय पी के बैठ नमाज़ पढ़ रहे हैं रूम में, और सीधा मुस्तफ़ा जो है खेल रहे हैं, हाँ सब। और यहाँ पे बन रही है रोटी, और समीना अफ्फी से आज फिर वही वाली सब्ज़ी बनवाई गई है, परवल और आलू की, उस दिन बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे ये है सब्ज़ी, और समीना अफ्फी जो है सुबह चली जाएंगी, तो आज भाई की बेटी आई हुई है समर वेकेशन पे, वो भी यहाँ आई है, तो उसका भी खाना है। और एक सिस्टर की बेटी है, उसका भी खाना है, तो सबकी आज दावत है। ये सब्जी जो है उसे बहुत पसंद है, चिकन को बनाएंगे। और इधर चिकन जो है वॉश करके रख दिया है, रोटियाँ बन चुकी हैं, अभी बाकी चल रही है यहाँ पे, क्योंकि रोटी बनाने के बाद जब खुशकी पूरे में गिरती है ना, तो गैस और ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अदीबा जो है इसको साफ कर रही है, और चिकन वॉश करके रखा हुआ है, अभी चिकन बनना है, दाल बननी है, राइस बनना है, ये सब अभी अदीबा चिकन अम्मी बनाएंगी, क्योंकि अम्मी से कहा गया है चिकन बनाने के लिए, तो अम्मी चिकन बनाएंगी। तो चलिए इसे चलते हैं, अब नहा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अम्मी का सूट निकाल लिया, क्योंकि पैंट कुर्ता नहीं पहन पा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिर अम्मी का सूट निकाल के पहना। तो चलते हैं, जल्दी से नहाते हैं, और अदीबा भी जा रही है नहाने, इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हो रहा है, रात के बज रहे हैं 10 और डिनर टाइम हो चुका है, और सईदा और मुस्तफ़ा को ही डिनर कराने में जो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो अभी हम सब करने जा रहे हैं डिनर।
और ये हो रहा है सुबह का टाइम कि रात में जो है डिनर करने के बाद कुछ भी नहीं शूट किया और सब बैठे थे, बातें करने लगी, फिर सैदा मुस्तफ़ा की मस्ती चलने लगी, तो उसी बीच में हम लोग इंजॉय थोड़ा कर रहे थे, कुछ भी नहीं शूट किया। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बज रहे हैं 8 और मैं बना रही हूँ नाश्ते में, इधर आलू बन चुके हैं और आज़म भाई समीना की सब चाय पी चुके हैं, अभी बस लोग निकलेंगे। अब ये नहीं पता कि नाश्ता करेंगे या नहीं, मैंने बना दिया है पर आज़म भाई को काम है तो वो हो सकता है बिना नाश्ते के जाए। तो अभी सब उठ चुके हैं और समीना की अभी चली जाएंगी। अले इसकी चप्पल तो रख दो, देखो चप्पल सही दादा, देखो भाई ना जाओ ना जाओ ना जाओ जाऊंगा जाऊंगा हाँ बेटा वो हमारी है, अम्मा की, अम्मा को पहनने के लिए दिया था। शूज आपका है, शूज आप हाँ हम भी चले। अरे और समीन अपी जो है वो जा चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा हो गया है। तो इधर जो है नाश्ता आज़म भाई ने कर लिया था और अप्पी ने नहीं किया था, बच्चों ने नहीं किया था, तो उनका नाश्ता जो पैक करके दे दिया है कि वो वहाँ जाके अपना कर लेंगी। और अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय, क्योंकि अभी हमने नहीं पी, अम्मी ने नहीं पी, तो पहले चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद किचन क्लीन होगा। मिलती हूँ आपसे बाद में। और समीना पी के जाने के बाद जो है फिर नाश्ता किया, उसके बाद जो है सारे बर्तन वॉश किए, इधर सारे बर्तन वॉश करके रखे और पूरा जो है वो किचन क्लीन किया। और अब सारे काम जो हो गए हैं, लंच बना नहीं है, लंच में जो है वही रात का जो लेफ्ट ओवर है, चिकन और सालन सब्जी, तो वही सारी चीज़ें खाई जाएंगी। तो काम मेरा सारा हो चुका है, अब मैं चाह रही हूँ नहाने के लिए और टाइम हो रहा है, नमाज का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, 12 बज रहे हैं, तो अभी मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी नमाज, मिलती हूँ आपसे बाद में। और इतना सन्नाटा हो गया, सैयदा चली गई है और मुस्तफ़ा, अभी एक सिस्टर है, उनके बच्चे हैं, पर फिर भी सैयदा मुस्तफ़ा दिन भर मतलब उनके पीछे लगे रहना, मतलब उनके साथ खेलना, बहुत सन्नाटा हो गया है और बड़ा ही मतलब अजीब सा लग रहा है। सैयदा क्योंकि सैयदा से ज़्यादा इसलिए हो गई, सैयदा जो है वो पहले आ गई थी यहाँ पे, थोड़ा सा जो है वो बुरा लग रहा था। सैयदा के साथ हमेशा ही होता है, सैयदा जब भी यहाँ से जाती है तो थोड़ा सा वो अपसेट रहती है। मुस्तफ़ा पे तो खैर कोई नहीं था, आपने देखा भी ब्लॉग में किस तरह वो घर जाने के लिए तैयार था, और सैयदा थोड़ी सी चुप हो गई थी कि वो जाने में उसको वो नहीं लग रहा था, खैर जाना तो था ही। तो अभी बस मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं नहा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। मेरा जो हो चुका है और टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 2:30 और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ यहाँ पे जो है वो आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और साथ ही साथ बहुत तेज़ हवा चल रही है और अचानक से बस मौसम इस तरह का हो गया और गर्मी जो है कई दिनों से बहुत ज़्यादा थी और अब मौसम जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 6 और आज चाय जो है बहुत लेट हो गई क्योंकि सब लेट गए थे दिन में लंच करने के बाद और सब सो गए थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं भी सो गई थी, अभी उठी हूँ। तो अब बस हम सब पीने जा रहे हैं चाय यहाँ पे और चाय पीऊँगी, फिर देखूँगी डिनर में क्या बनना है तो वो बनाऊँगी। और फिर और कल मुस्तफ़ा ने इतना ज़्यादा पानी डाला है इन पेड़ों पे, आप देख सकते हैं कि आज पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त जो है मौसम थोड़ा ठंडा है, बादल भी हैं, सुबह बहुत गर्मी थी, फिर थोड़ी देर बस 10 मिनट की बारिश हुई, खूब तेज़ हवा चली, फिर फौरन सूरज निकल आया और बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी थी। और अभी जो है वो
बादल हैं और हवा ठंडी ठंडी चल रही है, थोड़ा अभी अच्छा मौसम है। और इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से किसी अच्छे से नए ब्लॉग के साथ।